क्वेश्चन नंबर 13 में अ ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई. इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली आर. ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी बोल दिया 90% है, तो एफिशिएंसी अगर 90% है तो ये जो 10% का लॉस है, मतलब आपका एफिशिएंसी 90% है, मतलब पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट का वैल्यू 0.9 है. ठीक है, एफिशिएंसी 90% मतलब 0.9 है ना. तो पावर आउटपुट इज 0.9 टाइम्स ऑफ पावर इनपुट, इनपुट पावर. तो आउटपुट पावर होगा आपका VO, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट. ठीक है, 0.9 टाइम्स इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, क्या कर रहा हूँ सॉरी, इनपुट करंट. ठीक है, ये रिलेशन आ गया फर्स्ट लाइन से, है ना. सेकेंडरी कॉइल मतलब आउटपुट होता है, सेकेंडरी कॉइल का करंट 6 है, तो इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है. आउटपुट ईएमएफ, आउटपुट वोल्टेज नहीं पता, 0.9 टाइम्स. तो अब देखो, इनपुट पावर, इनपुट करंट इनटू इनपुट वोल्टेज आपको इनपुट पावर बोल देगा, है ना. तो इनपुट पावर का वैल्यू कितना है, इनपुट पावर का वैल्यू आपको दे दिया 3000. ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा, वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल, तो वही पूछा है. तो ठीक है, यहाँ से पहले आउटपुट वोल्टेज निकालो, 6 × 5 = 30, 500 × 9 = 45, 450 वोल्ट. 450 वोल्ट वाला आंसर दो है, सी और बी. उसमें फिर करंट निकालो, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट होगा. ठीक है, प्राइमरी कॉइल मतलब इनपुट करंट, है ना. ठीक है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, इनपुट पावर इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट. ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपको बोल दिया 200 है, इनपुट करंट पूछा है, और इनपुट पावर कितना बोला गया, 3000. ठीक है, तो यहाँ से इनपुट करंट आपको हो जाएगा 30/2 मतलब 15, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है, इनपुट करंट देख लो 15 आ रहा है ना. ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज 450 आया. ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है. अ वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज. तो किस फ्रीक्वेंसी से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है, मान लो ये आपका ओरिजिनल ओरिएंटेशन है. ठीक है ना, है ना, ये अभी ओरिएंटेशन है ओरिजिनल. ठीक है, तो ये वाला ओरिएंटेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है. ठीक है, तो ये घूम के ऐसे हुआ, ये 1/4 ऑफ द साइकिल है. ठीक है ना, परपेंडिकुलर से आपके पैरेलल हो गया. ठीक है ना, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अभी ऐसे दिख रहा है आपको. ठीक है ना, फिर ये उल्टा हुआ, उल्टा मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री घूम चुका है अभी तक. ठीक है, तो करंट आपको उल्टा दिखेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, है ना, तो अभी करंट फिर से उल्टा हो गया. ठीक है, और इसके बाद फिर यह देखना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. ठीक है, तो 3 × 90 हो गया, और एक 90 डिग्री का टर्न, यानी वापस ऐसा आ गया. ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा 0 था, यहाँ थीटा 90 डिग्री टर्न ले चुका है, यहाँ 180 डिग्री टर्न ले चुका है, यहाँ 270 डिग्री टर्न ले चुका है, यहाँ 360 डिग्री टर्न ले चुका है. ठीक है, एक पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स वगैरह आप देखते हैं, है ना. तो जितनी बार ये अपना, आपको याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है ना, तो ईएमएफ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा जब जब आपका फ्लक्स का जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसमें चेंज आ रहा हो कुछ. ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप सोचोगे, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम है. ठीक है, यहाँ से फ्लक्स घट रहा है, 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 और इस केस में मिनिमम हो जाएगा फ्लक्स. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम बी आएगा फ्लक्स में, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे फ्लक्स में माइनस बी आएगा, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर अपोजिट हो गया. यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ उस तरफ है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना. तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा कर दो, तब एग्जैक्टली सही हो जाएगा. ठीक है ना, ओके. तो देख लो, यहाँ से बी ए से जीरो, जीरो टू माइनस बी ए, और यहाँ पे फिर से जीरो, और यहाँ पे फिर से बी ए. ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप देखोगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, बिहेवियर वैसा है, और यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, है ना. फ्लक्स डिक्रीज और फिर फ्लक्स इंक्रीज. ठीक है, तो खाली इसी से तो बिहेवियर पता चल रहा है हमें. अब जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो करंट उसको इंक्रीज करना चाहेगा, और फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा होगा तो करंट उनको
करंट उसको डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है ना। तो यानी करंट दो बार डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एक बार एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में करंट दो बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स का दो अलग अलग बिहेवियर है ना। एक बार फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, पहला 180 डिग्रीज में, और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह बी को लियो, बी को उल्टा लेते तो उल्टा होता, ठीक है। पॉइंट है लेकिन दो बार होना चाहिए, ठीक है ना, दो बार दो अलग अलग बिहेवियर आ रहा, फ्लक्स डिक्रीजिंग का भी आ रहा, फिर फ्लक्स इंक्रीजिंग का भी आ रहा, ठीक है ना। तो एक रेवोल्यूशन में दो बार ऐसा आ रहा, तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन होना चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बल्ब बी एंड एन एसी सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब हमें डिक्रीज करना है, तो पता करना है किस केस में ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज हो, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब तब डिक्रीज होगा जब करंट इन द सर्किट डिक्रीज होगा, करंट इन द सर्किट डिक्रीज होगा, तो ये आई इंटू आर तब डिक्रीज हो जाएगा, तो आई इंटू आर डिक्रीज होगा तो मतलब ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट को डिक्रीज करना है, करंट डिक्रीज कब होगा, जब जेड इंक्रीज होगा, है ना। अब सर्किट में अब चारों ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन अगर देखे, तो फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट, तो मतलब एक कैपेसिटेंस भी ऐड किया जा रहा है उस सर्किट में सीरीज में, और उस कैपेसिटेंस का वैल्यू इंडक्टर का जो एक्सएल है उसके बराबर है, ठीक है ना। उस कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस इंडक्टर का रिएक्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे तो आपका करंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एक्सी और एक्सएल अपोजिट सेंस में रहते, ठीक है ना। तो इससे आपका ओवरऑल रिएक्टेंस घट जाएगा, ओवरऑल रिएक्टेंस घट जाएगा, तो सर्किट का ओवरऑल आपका आर घट जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आर घट जाएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये डालने से क्या हो जाता है आपका, ये तो आपका देखो एक्स इक्वल टू एक्सएल क्या है, ये आपका रेजोनेंस वाला कंडीशन, रेजोनेंस वाला कंडीशन में तो करंट मैक्सिमम होता है, तो इस केस से आपका ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक है, रादर घटेगा। तो इस केस में ब्राइटनेस बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। आयरन रॉड इज इंसर्टेड, आयरन रॉड इंसर्ट करने से क्या होगा, आयरन रॉड जो है वो तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक कॉइल है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर आप अगर एक आयरन रॉड डाल दोगे तो आयरन रॉड क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। और आपको पता है ये मैग्नेटाइज होने से इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि एल में आपका एल प्रोपोर्शनल टू ये रहता है, ठीक है ना। और आयरन रॉड डालने के बाद ये आ जाएगा ना, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपका एल बढ़ गया, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन बी मतलब एल बढ़ गया है, ठीक है। एल बढ़ गया मतलब ओमेगा एल बढ़ गया, ओमेगा एल बढ़ गया मतलब जेड बढ़ गया, और जेड बढ़ गया मतलब आई तो घटेगा, ठीक है, मतलब आई घटेगा, आई घटेगा मतलब ब्राइटनेस घटेगा, तो ऑप्शन बी तो सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते, क्वेश्चन मतलब लॉजिक क्या बोलते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज, तो अगर फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज करोगे, ओमेगा को डिक्रीज करोगे, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको, साफ से लिखे तो अगर आप ओमेगा को डिक्रीज करोगे तो ओमेगा एल डिक्रीज होगा, ओमेगा एल डिक्रीज होगा तो जेड डिक्रीज होगा, जेड डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो आपका आपका क्या बोलते हैं ये ब्राइटनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन हमें ब्राइटनेस तो डिक्रीज करना है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में ब्राइटनेस इंक्रीज हुआ था, ठीक है, इसमें भी ए और सी में दोनों में यही है, ठीक है। तो लेकिन दोनों थोड़ा अलग अलग नेचर का, इसलिए सेम नहीं, मतलब सेम लॉजिक नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे तो आपका एल क्या होगा, घटेगा ना, एल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, है ना। तो एन घटाने से आपका एल घटेगा, तो एन घटाएंगे तो एल घटेगा, एल घटाएंगे तो जेड घटेगा, जेड घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ए सी और डी सब में ब्राइटनेस बढ़ रहा है, सिर्फ बी में ही ब्राइटनेस घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी, तो यहाँ पे ध्यान देना हमें कि डीसी बैटरी से कनेक्टेड है, वोल्टेज दे दिया है प्राइमरी का 10 वोल्ट, करंट दे दिया है प्राइमरी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना है, वोल्टेज इन सेकेंडरी पूछा है, ठीक है। अब याद रखना कि जो प्रिंसिपल होता है जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, वही होता है कि प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करोगे, ठीक है, तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना। लेकिन प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि आपका डीसी बैटरी लगा हुआ है, एसी सोर्स लगेगा तब ना करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी में तो कुछ आने ही नहीं वाला इस केस में, तो सेकेंडरी में हर चीज़ क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी वो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी में कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। 17th में
करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, तो करंट दे दिया है, इंडक्टेंस दे दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, लाई, ठीक है, तो फाइव इंटू 2.5, 25 25 125, 12.5. अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज दिस, तो करंट इन द कॉइल एट टी इक्वल टू सेकेंड, ठीक है, करंट अब देखो चारों पॉजिटिव दिया है, तो हमें खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, वैसे यहाँ के लिए मैग्नीट्यूड ही आने वाला है. तो ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी, फाइव का वैल्यू दिया हुआ है 50 t², तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50 t² + 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 100 t, ठीक है. तो ईएमएफ ऐसा हो गया, तो आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ हो जाएगा 100 t, रेजिस्टेंस है आपका 400, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t/4 आया, तो किस टाइम पर पूछा है, टी इक्वल टू सेकेंड में, टी इक्वल टू सेकेंड में पूछा है, तो टी का वैल्यू 2 पुट कर दो, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम जो आया है, तो इसमें भैया तो बोल रहा है करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी टाइम का वैल्यू डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो 2 = 2 पुट करेंगे तो ये 0.5 एम्पियर आएगा. तो ऑप्शन ए, ये था 18th. ओके, 19th में इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एल सी एंड ए सी वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज एल सी आर सर्किट है, व्हेन एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इन द सर्किट इज, कुछ यहाँ होना चाहिए था, इफ इंस्टेड सी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन, फिर से कुछ मिसिंग है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, इस क्वेश्चन में तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आया होगा, मैं जिस सोर्स से लिया वहाँ पे गलती है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, मतलब मेन चीज ही छूट गया यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं इसको पॉज करके वापस सोर्स को चेक करता हूँ. हाँ, तो मैंने सोर्स चेक किया, ये पाई बाय 3 मिसिंग था यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों जगह पे, ठीक है, तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पावर फैक्टर पूछा गया, तो एलसीआर सर्किट है अपने पास, है ना, तो हमारे पास सब है, वीआर भी है, वीएल भी है और वीसी भी है, ठीक है, ओके. जब आपने किसको हटाया, जब आप एल को हटाया, तो एल को हटाया तो इसको भूल जाओ, ठीक है ना, तो एल को रिमूव किए तो सिर्फ वी आर और वी सी, ठीक है, तब कितना आ रहा है, पाई बाय 3 का आ रहा है फेस, ठीक है, ये जो वी है कितने पे आ रहा है, पाई बाय 3, है ना, करंट और करंट तो इस तरफ ही रहेगा, तो ये पाई बाय 3 है, ठीक है, ओके, तो इसको पाई बाय 3 लिखते हैं, ठीक है. सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में आपने एल को, सी को हटा दिया, सॉरी, ठीक है, ये वी सी था ना, सी हट गया, तो खाली एल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फिर से पाई बाय 3, समझ में आया ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि अगर आप इस ट्रायंगल से टेन पाई बाय 3 निकालोगे तो दिस बाय दिस आएगा, ठीक है, तो टेन पाई बाय 3 यहाँ और यहाँ, कहीं से भी किसी भी ट्रायंगल से टेन पाई बाय 3 निकालो, सेम ही आना चाहिए ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर टेन पाई बाय 3 निकाले तो किसी भी ट्रायंगल में आप देखोगे, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए टेन पाई बाय 3 हो जाएगा बी सी बाय वी आर, ये लेंथ कितना है, बी सी है और ये वी आर है, और सेकेंड ट्रायंगल से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10^3 VL बाय VR, ठीक है, इसका मतलब क्या है, VC और VL क्या इक्वल है, VC इक्वल टू VL, इसका मतलब क्या है, XC और XL भी इक्वल है, ठीक है, XC और XL इक्वल, इसका मतलब क्या है, फाई क्या है, जीरो है, फाई जीरो है, मतलब cos फाई, विच इज पावर फैक्टर क्या है, 1 है, तो पावर फैक्टर 1 है, ठीक है ना, इस केस का आपका फाई पूछा था, है ना, एक्चुअली आपको जब एक क्वार्ट आ रहे तो जितना से ये ऊपर जा रहा है दूसरे क्वार्ट से उतना से ही नीचे जा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो फाइव क्या है, जीरो है, ठीक है, ये हमें ऑफकोर्स बाद में पता चला, पहले नहीं पता चला, है ना, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है. द करंट इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट, तो किसी इंडक्टर में करंट जो है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम, ठीक है, तो वोल्टेज इंडक्टर में क्या होता है, माइनस एल डी आई बाय डी टी, ठीक है ना, तो डी आई बाई डी टी का अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ तक डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, क्योंकि डी आई बाई डी टी मतलब क्या, स्लोप ऑफ आई टी कर्व, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये माइनस एल इंटू स्लोप ऑफ करेंट वर्सेज टाइम ग्राफ, डी आई बाई डी टी मतलब तो वही होता है ना,
ठीक है ना। ओके, तो माइनस एल टाइम्स स्लोप कितना है? तो अब अगर आप वी का वैल्यू देखोगे तो वी का वैल्यू इस पोर्शन के लिए अलग आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्लोप अलग है और यहाँ से यहाँ तक स्लोप अलग है, ठीक है। ये वाला टाइम क्या है? टी बाई टू है, ठीक है। तो अगर आप टी बाई टू से कम टाइम के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप है ना, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा, है ना। तो उसको भी अगर नंबर देना चाहे तो एग्जैक्टली नंबर भी दे सकते हैं। तो प्लस एम मान लो स्लोप, और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? माइनस एम फॉर टी ग्रेटर देन टी बाई टू, ठीक है, क्योंकि इसका जितना स्लोप है इसका ही उतना ही स्लोप है ना, क्योंकि दिस बाय दिस, यहाँ पे भी दिस बाय दिस करना है, ठीक है। लेकिन एक में पॉजिटिव रखना है, एक में नेगेटिव रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ नेगेटिव एम एल आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एम एल आ रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव एम एल आ रहा और यहाँ पे पॉजिटिव एम एल आ रहा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम है, तो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव रहेगा, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट भी है, समझ में आ रही बात? इसका मैग्नीट्यूड ये चेंज नहीं हो रहा टाइम के, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ना, दिस इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। एल कॉन्स्टेंट है, स्लोप भी कॉन्स्टेंट है, भले अलग अलग टाइम पे आप देखोगे लेकिन हर टाइम पे टेंजेंट सेम आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपका कॉन्स्टेंट कर्व तो सिर्फ एक ही है ये, ठीक है। वैसे यहाँ पे लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ड्रॉ किए होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में नेगेटिव आना चाहिए था, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो ये लोग लेकिन फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रखे, सेकेंड हाफ में नेगेटिव रखे हैं, ठीक है ना। ये लोग खाली मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेरिएशन किए है ना, बाकी सब केसेस में क्या हो रहा है? देखो, इसमें हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, गलत। इसमें क्या रहेगा? इसमें एक पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना है, एल कॉन्स्टेंट है, एम भी तो कॉन्स्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। यही इसी में मैग्नीट्यूड देखो, फिक्स 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 सेम मैग्नीट्यूड हर पॉइंट में, वैसे यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड, खाली साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 21 में द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस इन अ सर्किट आर गिवेन एज दिस। तो इंस्टेंटेनियस करंट दे दिया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे दिया, ईएमएफ दे दिया, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या होगा? तो एवरेज पावर निकालना है, तो आपको पता है वो होता है आपका वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई, ठीक है, एवरेज पावर है ना, एवरेज का सिंबल यही होता है, ठीक है। तो वी नॉट कितना है? वी नॉट आपका है ये, और आई नॉट है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है? इतना है, ठीक है। तो कॉस, तो हो जाएगा 1/4 कॉस 60 हाफ 1/8, ऑप्शन डी। इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करेंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है किसी कॉइल के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, तो कितना चेंज इन फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हमें चेंज इन फ्लक्स पूछा है, तो हमको ये रिलेशन पता है कि चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है ना। चार्ज जो फ्लो करता है वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, चार्ज फ्लोइंग हो जाता है करंट आई डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, करंट इंटू टाइम का प्रोडक्ट का इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। आई डी टी स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे डी क्यू, ठीक है। तो डेल्टा फाई फ्लक्स का चेंज हम लोग से पूछा है, ठीक है। अब डी क्यू मतलब क्या? आई डी टी, ठीक है। ये क्या है? ये है एरिया अंडर आई टी ग्राफ, ये है एरिया अंडर आई टी ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर आई टी ग्राफ क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। एरिया अंडर आई टी ग्राफ निकाल लो, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब किसी भी ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 10, ठीक है। तो हो जाएगा 4/2, मतलब 2, ऑप्शन बी। एन एसी वोल्टेज इज अप्लाई टू अ रेजिस्टेंस आर एंड एन इंडक्टर एल इन सीरीज, ठीक है। तो आपके पास सीरीज आर एल सर्किट है, एल आर सर्किट है, जो भी बोलो। इफ आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल, ठीक है, इफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3, दोनों का वैल्यू 3 है, द फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वी एल और ये वी आर, ठीक है, तो ये वी हो गया, इसी को तो फेज बोलते हैं, ठीक है। तो फेज कितना हो गया? यही तो हो गया फेज। तो फेज यहाँ पे टेन फाइव कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि वी एल बाई वी आर यहाँ पे दोनों इक्वल है,
फाई कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, फेस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री मतलब पाई बाय फोर। इन एन एसी सर्किट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, तो आपके आजकल एसी सोर्स है कैपेसिटर है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, ठीक है, तो आई आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस बाय जेड, ठीक है ना। जेड कैसे निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ एसी सिर्फ कैपेसिटर है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर इस केस में, तो सिर्फ एक्स ही आ जाएगा, है ना। और एक्स ही क्या होता है, एक्स ही होता है 1/ωc, तो ओमेगा सी वी आर एम एस, ठीक है। आप खाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज फिर से यहाँ मिसिंग है कुछ, इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 μF, तो खाली सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये मिसिंग है, ये मैं सोर्स चेक करके वापस लिखता हूँ इसको, ओके। तो ये मिसिंग था 200 √2 sin 100 t, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 100, कैपेसिटेंस का वैल्यू तो 1 μ दिया हुआ है, और वी आर एम एस कितना हो जाएगा, तो आपका वी नॉट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वी नॉट है, वी आर एम एस हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू, तो √2 √2 कैंसल, तो 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। तो 3 0 हटा दिया, तो 20 mA, ऑप्शन डी।